Hi guys, welcome to Rise of Flavors. This is Srishti and we are back with another recipe video. So, जैसा कि आप देख चुके हैं, ये मेरे पास है एक बहुत ही चॉकलेटी बैटर. So, guess आज हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी चॉकलेटी कपकेक्स. So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले अगर आप फर्स्ट टाइम Rise of Flavors देख रहे हैं. और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर कर ही देना. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी टेस्टी कपकेक, जिसमें हमने यूज किया है बेकिंग का वनीला एसेंस और कोको पाउडर, जो कि काफी 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 अच्छा है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया, जिसके अंदर हम डाल रहे हैं दूध. अब इसमें हम कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल डालेंगे. आप कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. अब हमने एक कॉफ़ी और वाटर का मिक्सचर बनाया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे. ये है बेकिंग का वनीला एसेंस, जिसका अरोमा काफ़ी अच्छा है, लाइक लिटरली वर्थ इट प्रोडक्ट है ये. अब इसमें ऐड करा हमने थोड़ा सा विनेगर. अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. अब हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो भी मिक्सचर बनेगा उसको थोड़ी देर साइड रख देंगे. अब हमने लिया है एक और मिक्सिंग बाउल, जिसमें हमने डाला 1.5 कप मैदा. इसमें डाला है हमने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और हमने ट्राई किया था कोको पाउडर बेकिंग का, जिसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा था. सीरियसली दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी वर्थ इट हैं. अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं. अब हम इस मिक्सचर में अपना पहले वाला मिक्सचर मिक्स कर देंगे, मतलब ड्राई में हम अपना लिक्विड वाला मिक्सचर मिक्स करेंगे एंड इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे. मिक्स हल्का हल्का कीजिए, अगर आप ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो आपका केक उतना सॉफ्ट और मॉइस्ट नहीं बनेगा, इसलिए बहुत ही पोले पोले हाथों से मिक्सचर को मिक्स करें और हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए. ओह माय गॉड, लुक्स गुड नो. अब हम अपने इस बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे अपने कपकेक मोल्ड्स में. इसके अंदर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं चॉको चिप्स, चाहे वाइट चॉको चिप्स या फिर चॉकलेटी चॉको चिप्स, वो आपके ऊपर है, आपको जो पसंद हो. इसमें आप बाकी भी अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं. अब मैंने इनको रखा है एयर फ्रायर में 180 डिग्रीज पे 15-20 मिनट्स के लिए. आप इन्हें OTG में भी रख सकते हैं, ट्राई आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, बट माइक्रोवेव में वो टेस्ट और वो फ्लेवर नहीं आता जो OTG या एयर फ्रायर में आएगा. अब मेरा कपकेक रेडी है. इसके ऊपर मैंने स्प्रेड करी थोड़ी सी व्हिप क्रीम और इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए. तो ये हो गया मेरा कपकेक रेडी. एंड इस तरीके से मैंने अपने 3 कपकेक्स पे व्हिप क्रीम लगा के डेकोरेट किया था. तो मेरे कपकेक्स काफ़ी सॉफ्ट बने थे. इसमें मैंने यूज़ किया है बेकिंग का वनीला एसेंस और कोको पाउडर. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. ओके, बाय.